लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, उसके बाद हमने स्टडी किया एलिमेंट, और फिर हमने बात की थी एटम्स की। अब इन सब को कवर करने के बाद एक नया और बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक आता है, दैट इज़ मॉलिक्यूल। के मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि एटम्स जो हैं वो समटाइम्स तो एज एन एटम्स ही एग्जिस्ट करते हैं, और समटाइम्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस है, विद हाइड्रोजन H। अब ये अकेला एटम जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव, तो ये अपने साथ मौजूद एक और हाइड्रोजन के साथ अटैच होके एक मॉलिक्यूल बना देती है H2। नाउ अब ये जब H2 की शक्ल में मौजूद है, तो इसको फर्दर किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्टेबल क्वांटिटी है, और ये H2 इंडिपेंडेंटली अब एग्जिस्ट कर सकता है। आप लोगों ने मैट्रिक में ऑक्टेट रूल पढ़ा है, वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स को क्या पड़ी हुई है या एटम्स को क्या ज़रूरत है कि वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स की शक्ल में है? तो इसका सिंपल आंसर जो है वो ये है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बी स्टेबल, और स्टेबल कोई भी चीज़ कब होती है, जब उसकी एनर्जी जो होती है वो कम से कम हो। जितनी किसी भी एटम की कम एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा, और स्टेबल होने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स की शक्ल में आ जाते हैं। ऑक्टेट रूल क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें ये होता है कि एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, और जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, सबसे बाहर वाला जो शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर एटम की ये ख्वाहिश होती है कि वो कंप्लीट हो जाएं। अब हर एटम के कंप्लीट नहीं होते, लिहाजा वो अपने साथ ही या किसी और के साथ कंबाइन होके किसी ना किसी तरीके से अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करते हैं और मॉलिक्यूल की शक्ल में आ जाते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाएं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकें। अब लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वाटर मॉलिक्यूल। इट हैज़ टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम, जो आपस में मिलके एक H2O का बॉन्ड बनाते हैं। हेयर इज द पिक्चर। ये यहाँ पे आप, ये 3D इफेक्ट है, यहाँ पे आप देखें कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपने साथ दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अटैच किए हुए है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल छोटा होता है साइज़ में, तो आपको फिगर से भी नज़र आ रहा है। और ये जो बाहर वाला शेल है ये शो कर रहा है कि अब ये पूरा मॉलिक्यूल वन सिंगल यूनिट है, ये एक यूनिट के तौर पे एक्ट करेगा H2O एज अ मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरे का पूरा वाटर मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट एक्ट करता है और अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करता है। तो ये था मॉलिक्यूल्स।
अब जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसके साथ एक और टर्म जो है वो भी एसोसिएट हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं हम क्या कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी उतनी होती है। से वाटर, वाटर की एटॉमिसिटी की तरफ जाते हैं टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, थ्री। थ्री एटम्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। कमिंग टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, C6H12O6, इसकी एटॉमिसिटी 6 ऑफ कार्बन, 12 ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 12 ऑफ हाइड्रोजन, 12 ऑफ हाइड्रोजन एंड अगेन ऑक्सीजन के 6। तो कंबाइनिंग दिस थ्री द एटॉमिसिटी कम्स आउट टू बी 24। 24 क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी है। सिमिलरली अगर किसी मॉलिक्यूल के पास, अगर कोई मॉलिक्यूल हैज़ नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल हीलियम और नियॉन, ये नोबल गैसेस होती हैं, ये ऐसे ही एग्जिस्ट करती हैं, तो एक सिंगल एटम ही मॉलिक्यूल है तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स 2 हो जाएं, दैट इज़ कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हमारी मोस्टली सारी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एट्सेट्रा। और जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स 3 हो जाएं, दैट इज ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मीन्स ट्राई फॉर 3 एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स, तो उसकी एटॉमिसिटी जिसकी 3 होगी दैट वुड बी अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि अभी हमने बात की वाटर की, तो वाटर इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आगे हम चलते हैं तो बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की, कि मॉलिक्यूल्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्लासिफिकेशन जब भी हम किसी चीज़ की करते हैं तो वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि हम किस बेसिस के ऊपर किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करें, किस बुनियाद के ऊपर हम उसकी क्लासिफिकेशन करें। जैसे हमारे पास एक क्लास होती है फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स की, तो हम उसमें किस तरह क्लासिफाई करते हैं कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं, तो हम जेंडर की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। या फिर हम कहते हैं कौन से ज़्यादा हाइटेड हैं कौन से शॉर्ट हाइटेड हैं, तो हम हाइट की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरह हम मॉलिक्यूल्स को दो मेन चीज़ों के ऊपर क्लासिफाई करते हैं, दैट इज़ नंबर 1 इज़ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड नंबर 2 इज द टाइप ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो दीज टू आर द बेसिस ऑन विच हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं। अब हम दोनों को तरतीब से देख लेते हैं, द नंबर 1 इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। इसमें हम दो तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें स्मॉलर साइज ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिनके एटॉमिसिटी जो होती है वो लेस हो,
मतलब अगर तो नंबर ऑफ एटम्स थोड़े हैं तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल का साइज़ भी छोटा होगा, और अगर छोटा होगा तो हम उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। अभी हमने एग्जांपल पढ़ी थी हाइड्रोजन की, वाटर की, तो ये वाटर इज़ अ माइक्रो मॉलिक्यूल। सिमिलरली वी हैव मीथेन CH4, दिस इज़ अ माइक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल आर ऑफ वेरी लार्ज साइज़। इनकी जो साइजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एटॉमिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज एटॉमिसिटी। इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत बड़ा होता है। इसको हम इस तस्वीर से देख सकते हैं। ये एक तस्वीर है मैक्रो मॉलिक्यूल की। यू कैन सी कि इसमें बेशुमार एटम्स जो होते हैं आपस में डिफरेंट तरीके से कंबाइन होके एक बड़ा कम्प्लेक्स और 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि क्या है, विच इज़ आवर मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन लार्जर इन साइज, सो यू कैन सी। ये हो गया, ये तो पहली क्लासिफिकेशन थी बेस्ड अपॉन साइज। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये भी दो तरह की है। नंबर वन इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड द नेक्स्ट वन इज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आपको नाम ही से पता लग जाएगा। होमो एटॉमिक का होमो मीन्स जब भी कहीं पे साइंस में स्पेशली होमो का वर्ड यूज़ हो दैट मीन्स सेम, एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अब होमो एटॉमिक मतलब दोज मॉलिक्यूल्स हु हैव सेम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास H2 गैस है, इसका मॉलिक्यूल एक H बॉन्ड H, ये इसका एक मॉलिक्यूल है। अगर हम इसके दोनों एटम्स को देखें, दोनों एटम्स सेम हैं, हाइड्रोजन के हैं, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा? दिस वुड बी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली O2 गैस है, हमारे पास S8 मौजूद होता है, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, तो दी ऑल दीज आर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दे हैव मॉलिक्यूल्स, दे हैव एटम्स फ्रॉम द सेम एलिमेंट, एक जैसे हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अगर तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिल के आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं तो दैट इज़ अ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी हमने वाटर की बात की, तो वन ऑफ ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज डिफरेंट एलिमेंट, ऑक्सीजन इज डिफरेंट एलिमेंट, सो वी से इट इज़ अ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट हाइड्रोजन एंड कार्बन मेकिंग मीथेन CH4, इट इज कॉल्ड मीथेन। तो मीथेन इज ऑल्सो अ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड इट हैज़ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, इन द एंड आई विल समराइज द टाइप्स अगेन। मॉलिक्यूल्स दीज आर ऑफ टू मेन टाइप्स, बेस्ड ऑन साइज एंड टाइप ऑफ एटम्स। ईच इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन बिग, माइक्रो मीन स्मॉल। इसमें हमने बात की थी H2 है, H2O है, CH4 है। इसकी एग्जांपल्स में DNA आ जाता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
इसके अलावा हीमोग्लोबिन आ जाती है। हीमोग्लोबिन क्या होती है? हीमोग्लोबिन वो चीज़ है जो हमारे रेड ब्लड सेल में हमारी ऑक्सीजन को कैरी करती है पूरी बॉडी में। इट इज़ इसकी वजह से हमारा जो है ब्लड भी रेड होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन मौजूद होता है। आयरन इम्पार्ट्स रेड कलर। अगर कभी आप एप्पल को देखें और काट के उसको रख दें फ्रिज में या वैसे ही, तो वो कुछ देर में डार्क रेडिश और ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि एप्पल हैज़ हाई क्वांटिटी ऑफ आयरन प्रेजेंट इन इट, जिसकी वजह से इसी वजह से आयरन हमारे हीमोग्लोबिन में होता है और हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल में होती है, और वो रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसके अलावा जितनी भी प्रोटीन हैं, ऑल आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये बहुत बहुत जॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके डिफरेंट एटम्स जो हैं मिलके बने होते हैं। सिमिलरली टाइप ऑफ एटम्स के अंदर दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। एटम्स सेम काइंड, एग्जांपल्स में इसकी उसी तरह H2, Cl2, O2। इसके अंदर एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग्लूकोज एट्सेट्रा। तो ये ओवरऑल एक मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट था। उस एटॉमिसिटी को हमने स्टडी किया, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, साइज़ के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, और टाइप ऑफ एटम्स के ऊपर। साइज़ में दो आ जाती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन साइज एंड मैक्रो आर बिगर मॉलिक्यूल्स। टाइप ऑफ एटम्स में होमोएटॉमिक, जिनके मॉलिक्यूल्स सेम एलिमेंट के एटम्स से मिलके बने हों। हेट्रोएटॉमिक, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिलके कोई भी मॉलिक्यूल बनाते हों। और मॉलिक्यूल की बेसिक डेफिनेशन वही अगेन कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो। तो ये था जी सारा हमारे मॉलिक्यूल से रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आयन, कि आयन क्या होता है। आयन इज एनी स्पीशीज हैविंग अ चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज हमें पता है कि चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने अपनी पुरानी मैट्रिक की क्लासेस में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पढ़े हैं कि जब आप दो चीज़ों को रब करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूवमेंट की वजह से चार्ज आ जाता है। लेकिन अब हम फॉर एग्जांपल एक एटम है और एटम के ऊपर कोई भी चार्ज आना है, तो उसके लिए हमें पहले एटम को स्टडी करना पड़ेगा कि एटम के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। एटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, जो कि सेंट्रल होता है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सारी पुरानी बातें हैं जो आप ऑलरेडी स्टडी करके हैं। दूसरी चीज़ होती है जी शेल्स, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम कुछ देखने में इस तरह का समझ में आता है कि होगा। दीज आर द शेल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और ये आपका सेंट्रली बेस क्या है? न्यूक्लियस है। इट इज़ अ न्यूक्लियस। अब कमिंग टू द पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम इज मेड अप ऑफ थ्री मेन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिव वंस, एंड न्यूट्रॉन्स नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल हैं। दे हैव नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। चार्ज वाइज दे आर न्यूट्रल, दे हैव नॉट एनी चार्ज। अब अगर हम एक एटम को लेके स्टडी करें तो एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, एटम इज न्यूट्रल। अब यहाँ पे बेसिक ये क्वेश्चन पैदा होता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, लेकिन ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह ये हो सकती है कि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट कैंसिल कर देता है। तो अगर तो पूरे एटम के ऊपर चार्ज ज़ीरो है तो उसकी सिर्फ यही वजह है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज एक एटम के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट होने के बाद एटम इज़ न्यूट्रल। तो इससे ये साबित हुआ कि एटम के अंदर तो चार्जेस मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, प्रोटॉन्स मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज़ हाउ हमें पता लगा कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस उसके अंदर मौजूद हैं और वो इक्वल हैं। अब मैं कहता हूँ जी कि एक एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके आने की क्या वजह हो सकती है? वेरी सिंपल इसका आंसर है। सिंपल सी बात है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर थे तब तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कि ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। अब पॉजिटिव इज़ नॉट इक्वल टू नेगेटिव, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स में से कोई ना कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई है। अभी जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो सेंट्रल न्यूक्लियस था और बाहर शेल थे। अब न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स तमाम के तमाम आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, प्लस न्यूट्रॉन्स भी। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और शेल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों को चूँकि ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं तो हम इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। आगे चल के शायद कहीं पर ये टर्म भी इस्तेमाल हो तो ये आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब दोज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सिमिलरली अगर एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो वो भी उसकी वजह भी क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का जो बैलेंस है वो अब नहीं रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ तक तो रही बात कि एटम के ऊपर चार्ज कब आएगा, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस ख़राब होगा। अब हम ये देखते हैं कि किसकी मूवमेंट की वजह से चार्ज इसके ऊपर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इसका न्यूक्लियस है। जब भी कोई चीज़ मूव करेगी एटम के अंदर से, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकल के तो मूव नहीं करेगा, राइट? तो जब भी कोई चीज़ मूव करेगी वो होगी इलेक्ट्रॉन्स, द मूविंग स्पीशी इज़ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उनसे हैं वो किसी भी एटम के फिक्स होते हैं और वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इससे नतीजा ये निकला कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा होंगे किसी भी एटम में तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आयंस। आयन दो तरह का हो सकता है, वन फर्स्ट वन इज पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटाइन भी कहते हैं। अब कैटाइन क्यों कहते हैं, इसके नाम की वजह कैथोड इज एन इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड आपने अगर पढ़ा हो उसको 10th में, इलेक्ट्रोलिसिस में दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। तो कैटाइन वो आयन है जिसने कैथोड की तरफ जाना है। कैथोड पे हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है और कैटाइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से हम इसको कैटाइन कहते हैं। पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटाइन बिकॉज ये वो चार्ज है जिसने कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होना होता है, और वो कैथोड चूँकि नेगेटिव होता है इस वजह से ये पॉजिटिव होगा तभी तो कैथोड की तरफ जाएगा, इसलिए हम इसको कैटाइन कहते हैं। अब किसी भी बॉडी के ऊपर कैटाइन कब आएगा या कोई भी एटम कैटाइन कब बनेगी, कैसे बनेगी उसको हम देखते हैं। सपोज़ ये एक
एटम है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू टू। एट दिस टाइम एटम इज न्यूट्रल। अब किसी वजह से आप एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव करवा दें, जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देंगे तो इट विल बी लेफ्ट विद वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। अब प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स रिमेन द सेम टू, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इक्वल टू वन। अब इसका एक नेगेटिव चार्ज इसके एक नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन इसका जो एक पीछे पॉजिटिव बचेगा वो ओवरऑल एटम के ऊपर आ जाएगा, और हम कहेंगे कि अब जो ये एटम है फर्स्ट फॉर एग्जांपल एटम ए, ये अब कैटाइन बन गया है, प्लस वन बन गया है। सिमिलरली आगे उसका एक एटम, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक उसके अंदर मौजूद है, और ये पूरी बॉडी प्लस वन चार्ज को होल्ड कर रही है, कैटाइन बना हुआ है। अब मैं किसी तरीके से इसका एक और जो आखिरी वाला रह गया है उसको भी मैं उठा के बाहर निकाल देता हूँ। ये अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके बाहर आ गए हैं, पीछे क्या बचा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स चूँकि न्यूक्लियस में हैं वो उतने के उतने ही रहेंगे, टू के टू। इलेक्ट्रॉन्स आर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये ज़ीरो है, तो ए ज़ीरो इस प्लस टू को तो एक कैंसिल आउट नहीं कर सकता, इस वजह से इसके पूरे के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, टू। तो साबित क्या हुआ कि जब भी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो कैट आयन बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक एटम था, इसके इस इलेक्ट्रॉन को मैंने जो रिमूव करवाया है वो मैंने कैसे करवा दिया है रिमूव, जबकि न्यूक्लियस उसको खींच रहा है, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी कैटाइन बनेगा ये खुद से नहीं बनेगा, वी हैव टू गिव एनर्जी, हमें उसको कोई ना कोई एनर्जी इनपुट देनी पड़ेगी ताकि वो ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे की ये ख़त्म हो और ये उसके फोर्स से निकल जाए। तो ये बात लाजमी आपके जहन में रहनी चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन रिक्वायर्स एनर्जी, विदाउट एनर्जी कभी भी कैटाइन नहीं बनता। वी नो कि जिस भी किसी प्रोसेस में एनर्जी हमें इनपुट देनी पड़े दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें एनर्जी की इनपुट हमें खुद से देनी पड़े, तो कैटाइन बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो अक्सर ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है दैट फॉर्मेशन ऑफ एनायन और कैटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, वी हैव टू गिव द एनर्जी टू द एटम ताकि हम उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकें। अब हम बात करते हैं सेकेंड वन की, जो कि नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन, एनायन सिमिलरली उसी वजह से कि ये वो वाला चार्ज है जो एनोड की तरफ जाता है, एंड जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये वाले चार्जेस एनोड की तरफ जाते हैं। एनोड चूंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है तो पॉजिटिव की तरफ हमेशा नेगेटिव ही आयन अट्रैक्ट होगा, इसलिए एनायन इज नेगेटिव आयन। तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अगर आप एक चीज़ को याद कर लेते हैं तो दूसरी आपको भूलनी नहीं चाहिए। एनोड चूँकि पॉजिटिव है तो एनायन इसकी तरफ आना है तो वो नेगेटिव होगा तो ही आएगा, इसलिए एनायन इज़ अ नेगेटिव आयन। अब हम एनायन की फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं कि ये बनता कैसे है। हम अगेन उसी तरह एक एग्जांपल ले को स्टडी करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू, सिमिलरली प्रोटॉन्स भी दो हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी दो हैं, ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। अब आप क्या कहते हैं, आप किसी तरीके से इसके दो इलेक्ट्रॉन्स के
बाद इसके बाहर वाले शेल में आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देते हैं किसी भी तरह से। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी नाउ 3, दो ऑलरेडी जो मौजूद थे, एक ये वाला, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते थे वो कितने, वो दो के दो जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। अब ओवरऑल जो इसका चार्ज बैलेंस है वो क्या बन चुका है कि 2 प्लस तो कैंसिल आउट कर देगा 2 माइनस को, पीछे एक माइनस जो है वो बचेगा क्योंकि अब ये ख़त्म हो गए हैं। तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -1, तो हम कहेंगे ये आपका एनायन बन गया हुआ है, इसके अंदर -1 जो सा है चार्ज आ गया है। कैटायन हमने पढ़ा था कि एंडोथर्मिक होता है, ये जब भी किसी चीज़ के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे ये प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक। तो फॉर्मेशन ऑफ एनायन इज एक्सोथर्मिक एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एंडोथर्मिक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आके आपने याद रखनी है। तो इससे पता क्या चला कि अगर एक एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएं तो वो एनायन बन जाता है, और कोई भी एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो वो कैटायन बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। इससे साबित क्या हुआ कि आयंस का लेना देना सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से है, अगर ऐड होता है तो एनायन, अगर रिमूव होता है तो कैटायन। प्रोटॉन्स जो से हैं वो आपके न्यूक्लियस ही में रहते हैं और उनकी मूवमेंट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एनी स्पीशी एनी चार्ज, किसी भी किस्म का चार्ज देने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है एक एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये सारी चीज़ को हम समराइज किए हुए ये तस्वीर देखते हैं। ये दिस इज एन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन हमें पता है 1-1 होती है, ये उसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है। पहले हम ये देखते हैं जी कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर ऐड किया गया प्लस, ये प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आपने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये इसका न्यूक्लियस है। +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, अब ये एक और इलेक्ट्रॉन जो आ गया है तो इसके ऊपर ये चार्ज क्या बन गया, इसके ऊपर ये चार्ज बन गया -1। ये अब अगर इसके अंदर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये मैं माइनस कर दूं, मतलब इसको निकाल दूं, रिमूव कर दूं, तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, पीछे सिर्फ ये न्यूक्लियस बचेगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है, तो इसको हम प्रोटॉन भी कह लेते हैं। तो ये जब प्रोटॉन है बच गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सही है, इसको लिखते कैसे हैं, नोटेशन आप देख लें, एच पॉजिटिव, ये एच के ऊपर अपर राइट कॉर्नर पे हम पॉजिटिव का साइन डाल देते हैं। ये न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल, ये एच है, और ये इसके अंदर एच नेगेटिव, हम इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे, ये एनायन है एच नेगेटिव वाला, ये कैटायन है, और ये हमारा एच था जो कि न्यूट्रल है। तो ये एक समरी से आपको सारी बात हमने समराइज कर ली कि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, एनायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कैटायन बन जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें कैटायन और एनायन और आयन की फॉर्मेशन के हवाले से पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, कमिंग बैक टू एग्जांपल्स ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, जितने भी मेटल्स होते हैं नॉर्मली उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल Na प्लस, कैल्शियम प्लस, सोडियम प्लस 1, कैल्शियम प्लस 1, सॉरी पोटेशियम प्लस 1, दिस वन इज़ कैल्शियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, तो ऑल दीज आर मेटल्स। मेटल्स फ़ौरन अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं नॉर्मली, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एनायंस में ज़्यादातर हैलोजन्स आते हैं, फ्लोरीन -1,
क्लोरीन माइनस वन, इसके अलावा गैसेस आ जाती हैं, ऑक्सीजन माइनस टू शो करती है। इसी तरह ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज ऑल्सो हेलोजन माइनस वन। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनाइंस, सो दैट यू कैन प्लेस देम वाइल आंसरिंग एनी क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल जनरल व्यू था आयंस का। आयंस को हम दोबारा से समराइज करते हैं। आयन इज एनी स्पीशी विच हैज चार्ज ऑन इट। आयन अब दो तरह के होते हैं, एनाइंस और कैट आयंस। एटम हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होने की वजह से उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि उसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और उसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस डिसकंटिन्यू होगा, हमारी एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और वो कैटाइन बनेगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, कोई बाहर से ऐड हो जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारा एनायन बन जाएगा। दिस वॉज द टॉपिक ऑफ आयंस इन योर एफएससी बुक पार्ट 1। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।